गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है, आपने कल पढ़े थे, हमने 30 क्वेश्चन पढ़े थे, आज से नेक्स्ट वाली वीडियो में पीडीएफ में देखेंगे हम इसमें कितने क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले क्वेश्चन में लिखा गया है, आपको दिख भी रहा होगा क्या लिखा है, भूमिगत केबल में बेडिंग का क्या उद्देश्य होता है। आपने पढ़ा ना सिम्बास, बताया था सिम्बास में किसका पूछ रहा है, बेडिंग का पूछ रहा है, जो तीसरे ऑप्शन में होता है बेडिंग होता है, तो उसका उद्देश्य क्या होता है। उसका उद्देश्य होता है कहीं पर भी धात्विक जो होता है, धात्विक कवच को क्षरण से बचाने के लिए, मतलब लीकेज से बचाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, हम करते हैं बेडिंग का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखना, जो लीकेज से बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है वो धात्विक कवच, मतलब एक लीकेज करंट को बचाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, क्या होगा, धात्विक कवच से क्षरण से बचाने के लिए, लीकेज से बचाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। अगले क्वेश्चन में बोला गया है भूमिगत केबल में, देखो एक केबल से ही सवाल पूछे गए हैं सारे के सारे, क्या पूछा गया है, भूमिगत केबल के किस प्रकार के दोष को ज्ञात करने के लिए किया था, भूमिगत केबल के किस प्रकार के दोष को ज्ञात करने के लिए किया जाता है, वो किया जाता है लूप टेस्टर करते हैं ना, हम लूप टेस्टिंग करते हैं, जैसे अपने घर की वायरिंग करते हैं तो उस पर लूप टेस्टिंग होता है, वो होता है क्या बोलते हैं उसको, मैगर होता है, मैगर से जैसे हम इंसुलेशन रेजिस्टेंस चेक करते हैं, वैसे ही क्या करते हैं हम लूप टेस्टिंग के माध्यम से क्या करते हैं, केबल को चेक करते हैं कि केबल हमारा क्या है, ओपन सर्किट है कि क्लोज सर्किट है, शॉर्ट सर्किट है या लीकेज सर्किट है, उसको चेक करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, वो भूमिगत केबल में लूप टेस्टिंग का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें, देखो अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, यदि एक हुए चालक को 7/1.47 से अंकित किया गया, किससे अंकित किया गया है, 1.740 से अंकित किया गया है, तो पूछा गया है जो 1.40 क्या प्रदर्शित करता है, वो क्या करता है, वो डाया करता है, डायामीटर ये है। ऑप्शन नंबर प्रत्येक चालक का व्यास को चेक करता है, डाया को चेक करता है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, ये क्या करता है, डाया को चेक करने के लिए हम किसका, जो 1.4 हम बोलते ना 1.4 क्या होता है, ये डाया बताता है उसका कि ये कितने एमएम का डाया है, 0.1 mm का डाया है, 0.5 का डाया है, वो डाया बताने के लिए हम ये डायमीटर बताता है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, आप देखो भाई अगले क्वेश्चन में पूछा गया है एल्यूमिनियम की चालकता कितनी होती है, भाई एल्यूमिनियम की चालकता पूछा गया है कितनी होती है, ऑप्शन दे रखे हैं हमको 61, 55, 35 और 28, कितना होता है, कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। देखो इसमें महो प्रति मीटर में दिया गया है, ऑप्शन नंबर महो में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट। अब देखो इसको चालकता पूछता, इसमें क्या पूछता, इसमें पूछता केवल चालकता पूछता, तो हम 60% होती है, ध्यान रखना केवल चालकता, उसने किसमें दे दिया, महो प्रति मीटर में दिया है, इसलिए 35 होता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट, केवल चालकता पूछता वो होती है 60%, ध्यान रखना एल्यूमिनियम की चालकता कितनी होती है, 60% होती है, सबसे ज्यादा चालकता किसकी होती है, सिल्वर, ठीक है सिल्वर की होती है सबसे ज्यादा, कितनी होती है 99 होती है, उसके बाद कॉपर की जो होती है वो 90% होती है, उसके बाद आता है हमारे पास एल्यूमिनियम, इसकी 60% चालकता होती है, तो इसमें इसने महो प्रति मीटर में दिया है, इसलिए हम इसको 35 महो प्रति मीटर बिल्कुल राइट आंसर है इसका। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। देखो भाई अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, केबल की अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए धारा रेटिंग कारक क्या होता है, क्या होता है फिर बताइए, क्या होता है, ऑप्शन में दिया गया है हमको कि जो हमारे पास रेटेड धारा होती है, अतिरिक्त केबल धारा, वो क्षमता कितनी होती है, कितनी होती है, मैंने आपको बता रखा है जब अतिरिक्त धारा पूछे तो वो कितनी होती है, 0.81 होती है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है भूमिगत केबल में उदासीन मतलब न्यूट्रल, एक फेज वायर होती है, दूसरा कौन सा होता है, न्यूट्रल होती है, तो क्या पूछा गया है, भूमिगत केबल में उदासीन चालक का आकार फेज चालक की तुलना में क्या होता है, फेज चालक की तुलना में क्या होता है, ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा इसका, शाबाश कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, फेज चालक से आधा होता है, क्योंकि न्यूट्रल है, वो न्यूट्रल क्यों लगाया जाता है, एक सर्किट को पूर्ण करने के लिए, क्योंकि एक फेज वायर होती है, दूसरा न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल क्यों लगाया जाता है, क्योंकि एक सर्किट को पूरा करने के लिए, जैसे हमको एक लैंप जलाना है
तो उसको जलाने के लिए हमको क्या चाहिए, एक तो फेज वायर तो देनी देनी पड़ेगी, न्यूट्रल होता है उस सर्किट को पूरा करने के लिए। ये लैंप जल रहा है तो लैंप जलने का कारण क्या है, इसको फेज और न्यूट्रल दोनों चीज मिला गया है, तो इसलिए बोलते हैं फेज चालक से क्या होता है वो आधा होता है, पर होता है वो क्योंकि सर्किट पूरा न्यूट्रल से ही होगा, केवल फेज फेज से सर्किट पूरा नहीं हो पाएगा, ठीक है, इसलिए हमको न्यूट्रल की आवश्यकता पड़ती है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। देखो भाई अब पूछा गया है इस टूलशिप का नाम पूछा गया है, टूल दिया गया है हमको, देखो इसमें कटिंग प्लायर लिखा गया है, वायर स्ट्रिपर लिखा गया है और क्रीपिंग लिखा गया है, ये टूल कौन सा है ये पता होना चाहिए आपको, कौन सा है ये, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। देखो कटिंग प्लायर क्यों नहीं है, क्योंकि कटिंग प्लायर होता तो एक काटने के लिए अलग साइज का बना होता। उसके बाद वायर स्ट्रिपर जो पूछा गया है, वायर स्ट्रिपर से क्या करते हैं हम तार को छिलते हैं, तो ये क्या है हमारे पास, देखो क्रिपिंग है, क्रिपिंग का मतलब किसी चीज को क्रिप करने के लिए, ग्रिप करने के लिए, दबाने के लिए लगाया जाता है, इसका उपयोग भी पूछ सकता है, जो क्रिपिंग टूल आप बता रहे हो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है, पर क्रिपिंग टूल का उपयोग पूछ दे तो आप क्या बताओगे, मोटर की जो टर्मिनल होते हैं ऊपर उनको पुश करने के लिए प्रयोग किया जाता है, और जो भी हम किसी चीज को हम क्या करने के लिए पुश करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है इसको बोलते हैं क्रिपिंग टूल, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा इसका, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है हमारे पास जो माइक्रोमीटर है आपको दिख भी रहा होगा, ये माइक्रोमीटर है हमारे पास, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट कितना होता है, कितना होता है, कितना होता है, 0.01 mm होता है, मिलीमीटर होता है, ध्यान रखना पूछेगा पेपर में, जो माइक्रोमीटर है हमारे पास ये माइक्रोमीटर का पूछ सकता है लिस्ट काउंट कितना होता है, जिसको अल्पतनांक बोलते हैं हिंदी में, वो होता है 0.01 mm होता है, ऑप्शन नंबर जो ऑप्शन में होगा वो आपको राइट करना पड़ेगा, पर यहाँ पे हमको वो नहीं पूछा, लिस्ट काउंट नहीं पूछा है, इसने लिस्ट दे दी गई है हमको, देखो एक में आप रीडिंग देख रहे होंगे, इसमें 1, 2, 3, 4, 5 रीडिंग होती है, ये हमारे पास पता भी होना चाहिए इसको बोलते क्या है, माइक्रोमीटर है, ये क्या है मेन स्केल, ये क्या है हमारे पास वर्नियर स्केल, जिसको हम घुमाते हैं कि नहीं, तो इसमें आपको रीडिंग कितनी आनी चाहिए, कितनी आ रही है, हमको दिया है 5.05 mm दिया है, या 5 mm लिखा है, 4.55 mm लिखा है, या फिर 4.05 mm है, कितना बता रहा है ये, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट, क्यों, देखो हमको 4 तो दिख रहे हैं, 4 के बाद क्या है 5, 5, मतलब देखो ये क्या है हमारे पास 5 में गया हुआ है, देखो इस लाइन को सीध में देखोगे ये 5 में दिखा गया है, तो इसलिए हम ऑप्शन नंबर सी पे जाएंगे, 4.55 mm होता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है इसका, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है वाहनों की, वाहन मतलब जो हमारे पास गाड़ी होती है वाहन होता है, वाहनों की बॉडी के सुधार हेतु शोल्डरिंग की कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है, भाई किसका किया जाता है वाहन के लिए, वाहन क्या होता है सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, भारी चीज है जो भी है, तो भारी चीज के लिए क्या करते हैं हम ज्वाला के साथ शोल्डरिंग करते हैं, तो ज्वाला मतलब जिसको बोलते हैं हम ब्रिजिंग, ब्रिजिंग का मतलब होता है कि जिसको हम हार्ड जोड़ बोलते हैं, हार्ड जोड़ किसका होता है ब्रिजिंग का, शोल्डरिंग का क्या होता है कम होता है, ब्रिजिंग की अपेक्षा कम होता है शोल्डरिंग का, तो इसलिए ज्वाला के साथ बोलेंगे, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है गुथे हुए चालक को ठोस चालक की तुलना में क्या लाभ होता है, भाई गुथे हुए चालक मतलब एक स्टैंडर्ड जो कंडक्टर होते हैं उसमें क्या होता है, क्या होता है वो, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, सही बताया है कि अधिक लचीला होता है, अधिक लचीला क्यों रखते हैं हम, गुथे हुए चालक एक कंडक्टर को, स्टैंडर्ड कंडक्टर को हम लचीला इसलिए रखते हैं क्योंकि हम उसको कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, जैसे आपने देखा होगा वायर आइए देखो लचीला है, इस वायर का टुकड़ा क्या है लचीला, मतलब कि कहीं को भी हम इसको मोड़ सकते हैं, कंडक्टर ऐसा होना चाहिए जिसकी रेजिस्टिविटी क्या होनी चाहिए, रेजिस्टेंस कम होना चाहिए और चालकता अधिक होनी चाहिए, उसी तो कंडक्टर बोलते हैं हम, तो वही चीज पूछा गया है, वो अधिक लचीला होगा तो उसका हम अधिक से ज्यादा प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है कि नहीं है, जो GI वायर होती है, जो लोहे की वायर होती है अर्थिंग के लिए प्रयोग करते हैं, उसको हम ज्यादा मोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि मोड़ेंगे तो बहुत टाइट होता है, क्योंकि आपको पता है लोहे की वायर टाइट ही होगी, तो इसलिए हमको लचीला चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें, अब देखो मैंने इसमें आपको दो क्वेश्चन बताए हुए थे, आप देखो यहाँ पे क्या लिखा है, अभी तक जो पहले वाली वीडियो देखोगे उसमें आपको समझ में आ जाएगा उसमें कितना लिखा, यहाँ पे कितना है 16 जो एम्पियर होता है 16 एम्पियर केबल धारा की क्षमता क्या होगी यदि वह अत्यधिक धारा सुरक्षा द्वारा सुरक्षित की गई है, मतलब कि पूछा गया है
कि जो 16 एम्पियर विद्युत की धारा है वो एक केबल के अंदर मैक्सिमम जो धारा लेगी 16 एम्पियर ले रही है कोई केबल, तो उसमें पूछा गया है ये मिनिमम हमारे पास कितना ले सकता है, वो कितना लेता है। ऑप्शन नंबर देखो 13 बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्यों? क्योंकि जो अतिरिक्त मैक्सिमम धारा होती है उसकी अकॉर्डिंग हम इसको एक केबल है इसको 16 एम्पियर ही धारा दे दें तो इस समय क्या होगा, एक केबल जल्दी खराब हो जाएगा, क्योंकि उसकी क्षमता कितनी है, केबल 16 एम्पियर ही है, 16 एम्पियर ही उसके अंदर आप करंट दे रहे हो, तो वायर क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी, जल जाएगी, खराब हो जाएगी फिर कई कंडीशन में। तो इसलिए उसको रेटेड एम्पियर से कम दिया जाता है, जो उसकी रेटेड धारा होती है उससे हमेशा कम दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 13 बिल्कुल राइट। अब यहां पे लिखता वो 32 एम्पियर रेटेड केबल का लिखता तो हम 26 एम्पियर लगाते, ध्यान रखना दो क्वेश्चन बनेंगे इसमें से, या तो 16 एम्पियर में 13 एम्पियर लगाना है, 32 एम्पियर में 26 एम्पियर लगाना है, बिल्कुल राइट। इसका ऑप्शन जो अभी रहेगा वो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा, ठीक है। अब देखो भाई कितना अच्छा क्वेश्चन आया है, इसमें पूछा क्या गया है हमको, बिजली की मात्रा की यूनिट पूछी गई है, जो हमारे पास बिजली होती है इलेक्ट्रिसिटी होती है उसकी यूनिट पूछी है, यूनिट क्या होती है फिर आप बताइए मुझे, जैसे आपने मैंने बताया आपको रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम होती है, विद्युत धारा की क्या होती है, एम्पियर होती है, तो हमको यहाँ पे क्या पूछा है, इलेक्ट्रिसिटी पूछा है इसने। इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है, महो होता है, कूलाम होता है, वोल्ट प्रति सेकंड होता है, या एम्पियर प्रति सेकंड होता है, क्या होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, कूलाम, क्योंकि आवेश चार्ज किससे एकत्रित होता है, कूलाम से ही तो होता है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है इसका, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है एक हमको सोल्डरिंग आयरन दिया गया है, पूछ क्या रहा है, सोल्डरिंग विधि एक कौन सी विधि है, जो आपको दिख रहा है ये स्टैंड है इसका, ये सोल्डरिंग वायर है, हमारे पास सोल्डरिंग है, तो इसमें क्या पूछा गया हमको, ये सोल्डरिंग क्या है, हमारे पास सोल्डरिंग आयरन है, क्या है भाई ये, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है इसका, ऑप्शन नंबर डीप सोल्डरिंग है या सोल्डरिंग आयरन है। वैसे देखा जाए ये हमारे पास सोल्डरिंग आयरन है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होना चाहिए, पर इसमें जो आंसर शीट दिखा रहा है वो कौन सा दिखा रहा है, डीप सोल्डरिंग दिखा रहा है, आप ध्यान रखना इसको, देखो वैसे क्या है सोल्डरिंग आयरन, आपने ऐसे यूज किया था, ये सोल्डरिंग गन तो है नहीं, क्योंकि सोल्डरिंग गन में तो क्या होता है, बंदूक के आकार की होती है, वो पुश करने के लिए क्या आता है, उसको कहीं पे मार्क करने के लिए, गर्म हीट करने के लिए, तो इसमें क्या पूछा गया हमको, ये ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल राइट माना जाएगा, डीप सोल्डरिंग। वैसे इसका आंसर जो होना चाहिए सोल्डरिंग आयरन है ये, क्योंकि ये सोल्डरिंग आयरन है या इसका स्टैंड रखा हुआ है, तो सोल्डरिंग आयरन बी ऑप्शन होना चाहिए इसका, ठीक है कि नहीं है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है इसका, ऑप्शन नंबर सी, वैसे दिया है ज्वाला के साथ, जो सोल्डरिंग आयरन है वही बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होना चाहिए, सोल्डरिंग नहीं, ऑप्शन नंबर बी, सी दे रखा है तो गन तो है नहीं है भाई, गन नहीं है ये, गन कोई अलग आकार की होती है, अभी देखना दूसरे उस पे आएगा। ऑप्शन नंबर अभी ऑप्शन जो इसका राइट माना जाएगा वो सोल्डरिंग आयरन ही माना जाएगा इसके डायग्राम के अकॉर्डिंग। क्यों? क्योंकि सोल्डरिंग आयरन आपने किया है कि नहीं किया है, प्रैक्टिकल किया है, ये सोल्डरिंग आयरन था, ये क्या था, उसका स्टैंड था, स्टैंड में तो रखते हैं उसको, तो ऑप्शन नंबर बी ही बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए, ठीक है। अब आंसर शीट में पता नहीं कोई बोल रहा है ए दिया है, कोई बोल रहा है सी दिया है। देखो अगला क्वेश्चन में क्या पूछा गया हमको, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है विद्युत वाहक बल, मतलब किसकी बात कर रहा है, EMF की बात कर रहा है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की बात कर रहा है। क्या पूछा गया है, विद्युत वाहक बल ज्ञात करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है, विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है हमको, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ज्ञात करना है, तो कौन सा आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या करेगा, EMF पोटेंशियल डिफरेंस प्लस जो होता है वोल्टेज ड्रॉप होता है, तो ऑप्शन नंबर बी ही बिल्कुल राइट आंसर होगा इसका, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, अब देखो इस पे क्वेश्चन चेंज कर दिया उनने, अब क्या पूछा हमको, केबल की प्रास की अतिरिक्त, केबल की प्रास पूछ दी है, अब क्या पूछा गया है, केबल की प्रास है अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए धारा रेटिंग क्या होती है, 1.123, याद कर लो, याद हो जाएगा, 1 के बाद पॉइंट लगा देना, आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा आपका। अतिरिक्त प्रास पूछी है तो वो होती है 1.23 होती है, 1.23 याद रख लो, आपका आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है, 1 पॉइंट लगा देना, अपने आप ही आंसर बिल्कुल राइट आंसर होगा आपका, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है ठोस चालक की गुथे हुए चालक की तुलना में क्या होता है अधिक लचीलापन होता है, ये तो हो गया था ऑप्शन, क्या अच्छा हानि पूछी है, तो हानि क्या होती है फिर, वो कम लचीलापन, हानि यही तो हो गया, देखो ऑप्शन चेंज कर दिया भाई यहाँ पे,
अभी तक क्या पूछा गया था? लाभ पूछा गया था कि उसका लाभ क्या होता है। यहाँ पे क्या होगा? कम लचीलापन। जो कम लचीलापन हो तो कौन सा हो जाएगा? GIR हो जाएगी, कम लचीला होता है, होता है कि नहीं? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, कम लचीलापन ही होगा, वो ज्यादा लचीला नहीं होगा, वो कम लचीला, हानि पूछी गई है, हानि मतलब लॉस। अगला क्वेश्चन में पूछा गया है, ये शोल्डिंग विधि का क्या नाम है, मतलब कि एक शोल्डिंग विधि दी गई है, ये कौन सा है? ये टेम्परेचर है हमारे पास, कौन सा है? ऑप्शन नंबर शोल्डिंग गन। हाँ, शोल्डिंग गन ही होगी है, क्योंकि हमारे पास ये दिख रहा है, ये होती है शोल्डिंग गन, जो अभी तक आप ऑप्शन बता रहे थे हमें, ऑप्शन नंबर सी सही है, उसका सी नहीं होना चाहिए, उसको शोल्डिंग आयरन ही है। ये है गन की तरह, देखो एक गन की तरह है कि नहीं, बंदूक की तरह आकार की होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? शोल्डिंग गन के साथ किया जाता है शोल्डिंग, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, 49 क्वेश्चन में पूछा गया है, शोल्डरिंग को ठंडे शोल्डर दोष के क्या कारण होते हैं? जो शोल्डरिंग आयरन होती है हमारे पास, उसमें जो शोल्डरिंग आयरन होती है उसमें दोष पूछा गया है, दोष क्या होता है? अपर्याप्त उष्मन, मतलब कि हीट अपर्याप्त होना, ऑप्शन नंबर बी ही बिल्कुल राइट आंसर होगा इसका, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, क्या होता है यदि, क्या पूछा गया है, क्या होगा यदि वोल्टमीटर को एम्पियर मीटर की तरह जोड़ दें तो क्या होगा? भाई बताइए, क्या पूछा गया है, क्या होगा यदि हम वोल्टमीटर को एम्पियर मीटर की तरह जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? कोई विचलन नहीं करेगा, भाई विचलन तो करेगा। क्या पूछा गया? एक वोल्टमीटर है, एक एम्पियर मीटर है, उसमें क्या किया, सप्लाई दी है, सप्लाई देने पर वो बोल रहा है कि जब मैं वोल्टमीटर को एम्पियर मीटर की तरह जोड़ूं तो क्या होगा? देखो ये पूछता, एमीटर को वोल्टमीटर की तरह पूछता तो हम बोलते डैमेज हो जाएगा, तुरंत खराब हो जाता है एम्पियर मीटर, पर इसने ये नहीं पूछा, इसने हमको क्या पूछ दिया, वोल्टमीटर को एम्पियर मीटर की तरह जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? जो पाठ्यांक होता है वो कम हो जाता है, तो उसकी जो रीडिंग लो आ जाएगी, लो रीडिंग दिखाएगा, बहुत ही कम। केवल ऐसा नहीं कि सुई विचलन नहीं करेगी, विचलन करेगी, जो उसकी सुई है वो क्या करेगी, डिफ्लेक्ट हो जाएगी, कंट्रोलिंग होगी, कंट्रोलिंग भी होगा, डिफ्लेक्टिंग भी होगा, पर इसलिए इसमें यहाँ पे पूछता एमिटर वोल्टमीटर की तरह जोड़ दिए तो क्या हो जाएगा, वो बिल्कुल डैमेज हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन जो रहेगा वो ऑप्शन नंबर ए ही रहेगा, लो रीडिंग शो करेगा, लो पाठ्यांक करेगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है इसका, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा हेतु क्या उपयोग किया जाता है? भाई जब अधिक धारा होती है उसके लिए हम कौन सा फ्यूज प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन क्या पूछा गया है? अतिरिक्त धारा हो गई है, जो धारा को समझ मतलब कि सहन कर सकता है वो कौन सा होता है हमारे पास? वो होता है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, तार, पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज होता है, कौन सा होता है? ये किटकैट फ्यूज की बात कर रहा है। किटकैट फ्यूज में क्या होता है, तार जल जाता है, हम दोबारा उसको बांध लेते हैं, बांधते हैं कि नहीं बांधते हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा, रिवर्बल टाइप के फ्यूज यूनिट यूज होती है, वो बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन में पूछा गया है, 52 में पूछा गया है, विस्तार लाइनों के लिए कौन सा कंडक्टर उपयोग किया जाता है? भाई बताइए, विस्तार लाइनों क्या कौन सी होती हैं? ओवरहेड की लाइनें होती हैं, जो 11 KV से ऊपर की होती हैं, जो 11 KV से ऊपर की लाइनें होती हैं उनको बोलते हैं हम विस्तार लाइनें, मतलब ओवरहेड जो होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन लिखा है, डिस्ट्रीब्यूशन लाइनें कौन सी होती हैं, वो कौन सी होती हैं? 12 कंडक्टर होता है उसमें, 12 कंडक्टर समझ में आ गया, क्या होता है 12 कंडक्टर होता है, जो नंगा वायर होता है कि नहीं होता है, 11 KV में जो एक तो केबल वाला वायर आता है, एक आता है नंगा वायर, वो जब आपको उसमें लाइट का मतलब करंट होती है तो उसमें झनझन जैसी आवाज आती है, उसी को बोलते हैं 12 कंडक्टर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा इसका, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, तांबे के परमाणु की तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? भाई बताइए, क्या पूछा गया हमको? कॉपर का एटम नंबर बताना है, तीसरी कक्षा में पूछा ना, देखो फर्स्ट कक्षा होती है, सेकंड होती है और थर्ड होती है, फर्स्ट में कितने होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे में कितने होते हैं? 8 होते हैं, तीसरे में पूछा गया हमको, तीसरे में कितने होते हैं? 18। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी, ये पहली कक्षा में पूछते हम 2 इलेक्ट्रॉन लगाते, क्योंकि कॉपर का एटॉमिक जो होता है 2 होते हैं,
क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर कितने होते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो होते हैं उसके अंदर, इलेक्ट्रॉन तो बाहरी कक्षा में घूमते हैं, थ्योरी में बताया था कि नहीं। तो इसने क्या पूछा, दूसरी कक्षा में पूछता तो हम 8 लगाते, इसने हमें तीसरी कक्षा में पूछा है तो 18 होते हैं, चौथी कक्षा में कितने होंगे, चौथी कक्षा में 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है कि नहीं है। आप देखो अगला क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, अगला क्वेश्चन में पूछा गया है सेमीकंडक्टर मटेरियल पूछा गया है भाई, अर्धचालक पूछा गया है हमको, अर्धचालक कौन सा होता है, देखो एक होता है चालक, एक होता है चालक, दूसरा होता है हमारे पास अर्धचालक होता है, सेमीकंडक्टर बोलते हैं, एक होता है हमारे पास इंसुलेटर होता है, तीन चीजें होती हैं, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। तो हमको क्या पूछा गया है, सेमीकंडक्टर पूछा गया है, सेमीकंडक्टर कौन से होते हैं जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता भी है और नहीं भी होता है, कंडक्टर कौन से होते हैं जिनमें विद्युत का प्रवाह जो होता है आसानी से हो सकता है, करंट का प्रवाह आसानी से होता है उसे हम कंडक्टर बोलते हैं, इंसुलेटर का मतलब जिसमें विद्युत का प्रभाव बिल्कुल नहीं होता है, ना के बराबर होता है, जैसे लकड़ी है, पीवीसी है, ठीक है, रबर है, इसमें विद्युत का प्रभाव नहीं होता है। तो हमको सेमीकंडक्टर पूछा गया है, तो सेमीकंडक्टर में देखो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी जाओगे तब भी आपका आंसर सही हो जाएगा, मैग्नीन, एबोनाइट, यूरेका और जर्मेनियम, सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या होते हैं हमारे पास, सेमीकंडक्टर होते हैं, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, सेमीकंडक्टर, ठीक हो गया। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है नियोन ध्रुवता संकेतों का एसी आपूर्ति, देखो भाई एसी लिखा गया है, एसी आपूर्ति जांचते के समय क्या जो संकेत होते हैं वो क्या होते हैं, कौन से क्या होंगे वो, ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल, दो ऑप्शन नंबर ए, दोनों इलेक्ट्रोड जलेंगे, बिल्कुल जलेंगे क्योंकि एसी में पूछा गया है, एसी सर्किट में पूछा गया है, एसी सप्लाई में पूछा गया है, तो दोनों इलेक्ट्रोड जलते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल राइट आंसर होगा इसका, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब देखो अगला क्वेश्चन में पूछा गया है, ये तो आपको निकालना पड़ेगा, इसमें क्या पूछा गया है, 500 वाट का लैंप है, 5 घंटे जलता है, तो विद्युत धारा की क्षमता कितनी होती है। अब आपको निकालोगे कैसे निकालोगे, क्योंकि आप लिखोगे क्या होता है 500 × 5 घंटे अपॉन कितने से गुणा कर भागा दोगे, 1000 से भागा दोगे, तो आपका लगभग आंसर जो आएगा, क्योंकि हम 1000 से भागा क्यों देते हैं, क्योंकि 1 kW बराबर कितना होता है, 1000 वाट होता है, तो हम इसका आंसर जो होगा वो 2.5 यूनिट निकलेगा, आप आंसर निकाल के देख लेना, मैच कर लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोला गया है, देखो ये भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा भाई, ये तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा, क्या पूछा गया है, 1000 वाट 250 वोल्ट के रेटेड बल्ब का गर्म प्रतिरोध का मान पूछा गया है, इसका जो आंसर निकलेगा वो निकलेगा 625, ये निकलेगा ऑप्शन नंबर हमारे पास 312.5, तो ये निकलेगा ऑप्शन नंबर सी, आप निकाल के देखोगे, फॉर्मूला कौन सा है मैं बता देता हूं आपको, फॉर्मूला होता है V² / R से निकालोगे तो आंसर निकल जाएगा आपका, ठीक है, क्योंकि हमको पावर निकालना है, तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, P = V² / R होता है, उससे आप मान रखोगे तो आपका ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 312.5 ओम निकल जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, अगला क्वेश्चन देखो कितना आसान पूछा गया है, कौन सा नियम कहता है कि, देखो कौन सा नियम कहता है कि बंद परिपथ विद्युत परिपथ में लगाया गया वोल्टेज पूछा गया है, वोल्टेज पाथ के योग के बराबर होता है, किसका नियम पूछा है कि कौन सा नियम है ये, देखो इसमें दो नियम थे इसके, कौन से हैं याद है आपको कोई, किरचॉफ का नियम है। अब देखो किरचॉफ का क्या पूछा, वोल्टेज पाथ पूछा गया, वोल्टेज ड्रॉप, जहां पे वोल्टेज लिखा होगा वो किरचॉफ का सेकंड लॉ होता है, किरचॉफ का फर्स्ट लॉ में क्या बोला जाता है, किसी जंक्शन बिंदु पे आने वाली धारा उसी जंक्शन में जाने वाली धाराओं का योग शून्य होता है, सिग्मा आई बराबर जीरो होता है। उसी का जो दूसरा नियम है किरचॉफ का, वो नियम उसने लिख दिया, देखो यहाँ पे नियम लिख दिया उसने, क्या लिखा, किसी बंद परिपथ में, बंद मतलब क्लोज सर्किट है, क्लोज सर्किट मतलब लैंप जल रहा है, मोटर चल रही है, पंखा घूम रहा है, वो क्लोज सर्किट होता है, तो क्लोज सर्किट में विद्युत परिपथ में लगाया गया वोल्टेज पाथ वोल्टेज ड्रॉप के योग के बराबर होता है, किरचॉफ का सेकंड नियम। अब देखो फर्स्ट भी लिखा है, सेकंड भी लिखा है, फर्स्ट नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, ये जंक्शन वाला लॉ है, फर्स्ट वाला जो हमारे पास किरचॉफ का सेकंड नियम है वही वोल्टेज बताता है, आपको कंफ्यूजन नहीं रहना है, जहां पे आपको संधि पूछेगा हिंदी में देखना, यहाँ पे संधि लिखा होगा तो इसका मतलब वो किरचॉफ का प्रथम नियम है, जहां पे वोल्टेज लिख देगा वो आपका दूसरा नियम है, बस ऐसे याद कर लो, बस
वोल्टेज वहां पे आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वहां पे किसी जंक्शन बिंदु पे बोला जाता है। जंक्शन मतलब संधि, कोई मेन पॉइंट है, सेंटर बिंदु, कुछ भी बोल दो आप, ठीक है कि नहीं है। इसका जो अभी आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, अब देखो भाई ये तो सॉल्व करने वाले सवाल हैं, आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक है, मैंने आपको थ्योरी में करवा रखे हैं। इसमें क्या पूछा गया है, 200 वाट 240 वोल्ट लैंप का, दो लैंप है 240 वोल्ट आपूर्ति के सीरीज में जोड़े गए हैं। अब यहाँ पे पूछा गया है सीरीज मतलब कि श्रेणी में जोड़े गए हैं, तो कुल विद्युत शक्ति कितनी होगी ये पूछा गया है इसमें। इसका आप निकालोगे तो कितना निकल रहा है, 100 वाट निकल रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा इसका। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है यदि तीन प्रतिरोध जोड़े गए हैं भाई, R1, R2 और R3 समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, किसमें पूछे गए हैं, समानांतर मतलब पैरेलल में, पैरेलल में जोड़े गए हैं, तो कुल प्रतिरोध का मान पूछा गया है, कौन सा फॉर्मूला पूछा गया है इसमें से। अब देखो ए ऑप्शन तो बिल्कुल राइट होगा ही नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये तो सीरीज का पूछा गया है, ये टोटल R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 किसका होता है, सीरीज का होता है, ये कंफर्म हो गया। यहाँ पे आपको समानांतर की जगह वो सीरीज लिख देगा, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पर इसने हमको समानांतर पूछा गया है, समानांतर में क्या होता है, 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 होता है, कौन से ऑप्शन में है देख लो आप, ये देखो डी ऑप्शन में बिल्कुल राइट लग रहा है, क्योंकि इस 1 को आप इसके नीचे लाओगे तो 1/R1 / 1/R2 / 1/R3, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब देखो यहाँ पे कंफ्यूजन मत रहना, यहाँ पे भी 1/ लिखा है, केवल 1/A की बार लिखा है इसने, 1/ दो बार होगा, क्योंकि ये इसको उठाओगे आप इस आर के नीचे रखोगे तो 1/R1 / R2 / R3, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में पूछे गए, अगला क्वेश्चन में हमको पूछा गया है 9th नंबर में, इसमें पूछा गया है एक ओम मीटर का पाठ्यांक पूछा गया है हमको, जो ओम मीटर का पाठ्यांक पूछा गया है क्या होगा पूछा गया है। एक ओम मीटर लगा रखा है, ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है, एक ओम मीटर लगाया गया है, तो पूछा क्या गया, खुले सर्किट में R2 का प्रतिरोध, R1 कौन सा है, R1 ये है, R2 ये है, तो खुला सर्किट मतलब ओपन सर्किट में पूछा गया है, ओपन सर्किट में क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, ध्यान रखना बस, अनंत जहां पे लिखा होगा इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी रेजिस्टेंस मतलब ऑप्शन नंबर बी ही बिल्कुल राइट, क्योंकि ओपन सर्किट इन्फिनिटी, शॉर्ट सर्किट जीरो होता है कि नहीं होता है। रेजिस्टेंस जो पूछा जाता है यहाँ पे वो पूछता हमको करंट पूछता, तो करंट क्या होता है, ओपन सर्किट में क्या हो जाता है, करंट जीरो हो जाती है, शॉर्ट सर्किट में इन्फिनिटी हो जाती है, तो यहाँ पे हमको पूछा गया है ये ओपन सर्किट है, ओपन सर्किट में रेजिस्टेंस जो होती है वो इन्फिनाइट हो जाती है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन में पूछा गया है हमें 10 नंबर के क्वेश्चन में पूछा है किसी चालक के प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होगा यदि उसके व्यास को दुगना कर दिया जाए, तो बताइए भाई क्या पूछा गया है। कोई एक चालक है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, R प्रोपोर्शनल L लगाओगे, ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट निकल जाएगा आपका, कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, ऑप्शन नंबर डिक्रीज 4 टाइम ज्यादा कम हो जाएगा, बिल्कुल राइट होगा, क्योंकि किसी चालक में पूछा गया है प्रतिरोध में परिवर्तन करना है, रेजिस्टेंस में परिवर्तन करना है, रहो R/L / A फॉर्मूला लगाओगे तो आपका आंसर निकल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, 4 गुना तक कम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है एक हमको प्रतिरोध दिया गया है, ये प्रतिरोध कौन सा है आपको पता है ना, वायर वाउंड प्रतिरोध है, इसमें रेजिस्टेंस है, देखो ये रेजिस्टेंस वाउंड करके लगाया जाता है इसमें, तो इसमें क्या पूछा गया है हमको, इस प्रतिरोध का नाम पूछा गया, नाम बताइए भाई कौन सा प्रतिरोध है ये, ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर बता रहे हो, ये क्या है, वायर वाउंड प्रतिरोध, मैंने बता तो दिया आपको क्या होता है, वायर वाउंड प्रतिरोध होता है, तो ऑप्शन नंबर बी ही बिल्कुल राइट आंसर होगा इसका। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। देखो अगला क्वेश्चन में पूछा गया है, ये तो आपको रेजिस्टेंस वाला सवाल है, ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि आपको बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ याद है, तो ये सवाल आपका कहीं नहीं जाएगा, एक क्वेश्चन पूछना है पेपर में इसमें से। ठीक है, इसमें क्या पूछा गया है, आपको पूछा गया है कलर कोड दे रखा है, रेड दे रखा है, ये ब्लू लिखा है, ऑरेंज लिखा है और सिल्वर लिखा है, तो अब बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ से आप निकालोगे तो आपका ऑप्शन कौन सा निकल रहा है इससे, ऑप्शन नंबर बी 26 निकलेगा, क्यों, क्योंकि रेड का नंबर कितना होता है, 2 होता है, तो 2 ऑप्शन में है, उसके बाद ब्लू का कितना होता है, 6 होता है, तो 26 तो और किसी में है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी ही बिल्कुल राइट आंसर होगा आपका। ठीक है, वैसे मैं आपको बता दूं क्योंकि प्लस माइनस 10% किसका होता है, सिल्वर का होता है, तो 1 और 4th वाले तो हमारे ऑप्शन बिल्कुल गलत है,
क्योंकि 5% लिखा गया, प्लस माइनस 5 तो किसमें होता है, गोल्ड में होता है, तो हमको सिल्वर का पूछा गया, इन दोनों में से ही एक था, तो हमने निकाल दिया, 26 से निकल गया, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, आज की वीडियो जो है